राजेंद्र नगर पुलिस और कसौटी पुलिस ऑफ साइबराबाद ने एक गांजा स्मगलिंग गैंग को पकड़ा है। इसमें पूरे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पहले भी ऐसे गांजा केसेस में शामिल थे और जेल को भी जाए थे। इसमें से आज हम 4 लड़के और 2 लड़कियों को आज गिरफ्तार किया है। इनके पास में से 130 केजी गांजा सीज किया था। वर्थ अबाउट 6.5 लाख का वर्थ है और 1.5 लाख का 1,80,000 का पैसे भी इनसे जब्त किया है। इसमें से एक शुभम सिंह है, दूलपेट के रहने वाले। इनके ऊपर पहले भी 7 ऐसे गांजा केसेस हैं और सतीश सिंह, इनके ऊपर भी 2 केसेस हैं, पहला गांजा स्मगलिंग केसेस। और ये दोनों और एक मिलके सुरेंद्र सिंह बोल के वो अब्सकॉन्डिंग में है, ये 3 मिलके ये पूरा गैंग इधर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक वेंकट बोल के नारकेटपल्ली में रहने वाला नालगोंडा जिला का, वो और एक नरेश और उनका नवीन कुमार, ये तीनों मिलके विशाखापट्टनम गाजुआका से बड़े पैकेट्स में गांजा खरीद के 1-1 केजी 2500 के वास्ते वो खरीद के इधर ला रहा था। और इधर आरामगढ़ चौरासा में इन लोग को देखे, फिर इधर से इनका जलपल्ली में एक रेंटेड हाउस लिया है। इसमें से जो 2500 में 1-1 केजी उधर से ला रहे हैं बड़े पैकेट में, उसको छोटे छोटे पैकेट में 12 ग्राम का नहीं तो 0.5 केजी का ऐसा पैकेट में डाल के इधर 5,000 पर केजी के हिसाब से इधर भेज रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क में हमने सबको गिरफ्तार किया है। और इसमें से जो 130 केजी गांजा और 1,80,000 कैश और एक इंडिका का और एक 2-व्हीलर ये पूरा सीज किया है और इन सबको गिरफ्तार कर रहा है। और हम सभी बच्चे को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे गांजा कंज्यूम करना या तो स्मगल करना है पूरा गैर कानूनी है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा। तो हम सभी नौजवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे ही धंधे में मत फंसे। सबको सा टीम पकड़ा था हम लोग, राजेंद्र नगर पुलिस और कसौटी टीम ने।